नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू शर्मा आप सबको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक स्पेशल सूप लेके आई हूँ गेहूं के पत्ते का, जो आपको बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्यवर्धक है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिए हैं हमने गेहूं का पत्ता और दो टमाटर, दो प्याज और तीन चार लहसुन। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब पहले नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच घी। ये बच्चों के लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा सूप है, आप पिलाइए और उसे स्वस्थ रखिए। तो अब इसके लिए हम इसको इस तरह काट लेंगे। हमारा कढ़ाई फ्रेंड गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हल्का एक चम्मच घी। घी को गर्म होने देंगे, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे लहसुन और मिर्चा एक छोटा सा, और इसको एक मिनट तक थोड़ा फ्राई होने देंगे। यह हमारा लहसुन मिर्चा फ्राई हो गया। अब हम इसमें प्याज और टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे। डाल के इसको भी एक से दो मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये इसी तरह चलाते हुए आप इसको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए हमारा प्याज अब धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। इसमें हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे ताकि प्याज हमारा जल्दी गल जाए और मिक्स हो जाए। आप इस तरह इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। देखिए फ्रेंड, हम इस तरह सारे गेहूं के पत्ते को अच्छे से काट लिए हैं। अब हम इसमें हल्का सा इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस अब इसको पानी, इसमें हाफ गिलास पानी डालेंगे और दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे। बस किसी बर्तन से ढक के अब ये फ्राई हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया और मिक्सी में पीसने के लिए तैयार हो गया। अब इसको हम बंद करके ठंडा होने देंगे, उसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम इसको मिक्सी के जार में इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल के और पीस लेंगे। सूप को हमने पीस लिया है, ये देखिए। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे, ये देखिए। और इसमें एक चम्मच, छोटे चम्मच से और घी डाल के, और बच्चों के लिए यह सूप बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, आप इसे बच्चों को बना के जरूर पिलाइए। यह सूप बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार होगा।
अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।